पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के जन्म दिवस पर कल मोगा जिला के गांव किला चाहला में कल पानी बचाओ पंजाब बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और राज्य के सभी मंत्री हाजिर होंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री जथेदार तोता सिंह का मानना है कि राजनीतिक रैली नहीं है और ये पानी बचाओ पंजाब बचाओ रैली है। पानी की हमारे पास पहले ही कमी है और हम अपना पानी दूसरे राज्यों को क्यों दें? अगर पानी की दरिया हमारे पंजाब में है तो पानी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब फ्लड आता है तो फसलें भी पंजाब की खराब होती हैं, तब तो हमें कोई मुआवजा देने नहीं आता। और इस रैली में लाखों की गिनती में लोग होंगे, सिक्योरिटी का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहाँ की हुई हर रैली का फायदा भगवान की कृपा से अकाली ही पार्टी को होता है, ऐसा माना जाता है। हमारा पानी रिपेयरिंग लाभ हमें मुझे सारा मिल जाए तो हमारे जो इरीगेशन है वो 50% से ज़्यादा इरीगेशन नहरी हो सकती है दरियाओं के पानी की, कुदरती पानी की। हमें केवल कुदरती पानी मिला है, नेचुरल पानी है, ना हमारे कोला निकलता है, ना लोहा, ना तेल है। और हर सूबों को कुदरत ने कुछ ना कुछ दिया है। राजस्थान को पत्थर दिया है, पत्थर का पैसा लेते हैं, और झारखंड को लोहा दिया, लोहे का पैसा लेते हैं, कोई कोले का पैसा लेता है, कोई सूबा बंदरगाह का बेनिफिट लेता है, और कोई हर के पास नेचुरल है वो अपनी कीमत लेता है।